द केरला स्टोरी, जो आने से पहले ही विवादों में आ चुकी है और जिसे दूसरी द कश्मीर फाइल्स भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन यानी आज ही के दिन ये फिल्म जो है वो रिलीज हुई है और बहुत अच्छी कमाई जो है वो इसने की है। लेकिन एडवांस बुकिंग की बात करें तो एस्टिमेट जो है वो 32,000 से ज़्यादा एडवांस टिकटें जो है वो पहले ही बुक हो चुकी थी। हालांकि ये एक आजकल ट्रेंड भी है कि अगर फिल्म को हिट करना हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा विवादों में लाया जाता है कि आने से पहले ही लोगों का खिंचाव जो है वो उस मूवी की ओर हो जाए। 2 मिनट का इस मूवी का जो ट्रेलर लोगों को दिखाया गया है उसी के बाद लोग जो है इस फिल्म की ओर आकर्षित हुए हैं और आज पूरे देश भर में बात करते हैं द केरला स्टोरी जो है वो रिलीज हो चुकी है। ये कहानी है हिंदू लड़की की जो अपना धर्म परिवर्तन करती है और फिर वो मुसलमान बनती है। उसके बाद वो किस तरह से IAS एजेंट बनती है, ये कहानी उस पर आधारित है। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत से खुलासे हैं, उन पूरे खुलासों के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि इस छोटे पर्दे की मूवी ने आते ही तहलका मचा दिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ये मूवी कर सकती है। जहां पे द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, 250 करोड़ का बिजनेस द कश्मीर फाइल्स ने किया है। लेकिन हमेशा मूवी तभी क्यों आती है जब चुनाव होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि अभी कर्नाटका में चुनाव हो रहे हैं तो केरला स्टोरी याद आ गई और जम्मू कश्मीर की बात थी तब द कश्मीर फाइल्स याद आ गई। लेकिन अब लोग जो हैं वो मिला जुला यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है, लोग रिव्यूज भी दे रहे हैं। लेकिन ये मूवी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थी और आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी कि आप पहले पूरा फॉलोअप करके आइए, यानी जब भी कोई केस आता है पहले हाईकोर्ट में आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। लेकिन तब कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि 5 मई तक ज़्यादा वक्त नहीं था इसलिए मैं सीधा अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूँ। लेकिन कोर्ट ने जो है उनकी याचिका को, उनकी प्ली को खारिज कर दिया और उन्हें कहा कि आप हायर कोर्ट से लेके। हालांकि पहले ही आपको बता दें कि इस मूवी में कुछ सीन्स को कट किया गया है ताकि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उस पर ज़्यादा ठेस ना पहुंचे। लेकिन अब ये मूवी लोग देख रहे हैं, वो रिव्यू दे रहे हैं और कुछ ऐसे युवा हैं, यंगस्टर हैं, जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों को ये मूवी देखनी चाहिए। आखिर द केरला स्टोरी में है क्या? द केरला स्टोरी महिलाओं पर आधारित है और महिलाएं जो है वो हमारे देश की हैं, स्टोरी यानी भारत की है। लेकिन उसी के साथ साथ द केरला स्टोरी की जिस तरह से बात कर रहे हैं, 32,000 टिकटें जो हैं वो पहले ही बुक हो चुकी थी। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अधा शर्मा जो है वो एक ट्वीट कर रही हैं कि मैनी सीनियर पर्सन इन हाई पोस्ट हैव रिकमेंडेड ऑन द केरला स्टोरी आफ्टर वॉचिंग द 2 मिनट ट्रेलर। यानी बहुत से लोग जो है उन्होंने 2 मिनट ट्रेलर ही देखा है और उसी के बाद जिस तरह से बता दें आपको कि लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि आखिर द केरला स्टोरी में है क्या। द केरला स्टोरी ने 2023 में बताया जा रहा है कि ये 5वें नंबर पर है, टॉप फिल्मों में शामिल हो रही है और पहले ही दिन बंपर ओपनिंग जो है ली है। और केरला स्टोरी 5वें स्थान पर भी आ रही है कि जिसकी एडवांस टिकट की बुकिंग जो है वो पहले से हो रही है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है जिस तरह द कश्मीर फाइल्स ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था तो कहा जा रहा है छोटे पर्दे की स्टोरी द केरला स्टोरी जो बात की जा रही है वो करोड़ों में बिजनेस करेगी। और हालांकि पहली बात करें तो इसका भी एस्टिमेट रेवेन्यू जो है बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा जो है ये करेगी। इसके साथ हॉलीवुड की मूवीज को कंपेयर किया जा रहा है, एक भारत की मूवी बॉलीवुड के छोटे पर्दे की मूवी को हॉलीवुड की मूवीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है, द गार्डियंस द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और 5 मई को ही ये भी हॉलीवुड में रिलीज हुई है और आपको बता दें कि इनकी भी एडवांस बुकिंग हो रही है। लेकिन द केरला स्टोरी जो है उसका मूवी रिव्यू जो अधा शर्मा है वो ही इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है और वो उन्होंने जो है अच्छा रोल निभाया है, लोग भी इस रोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द केरला स्टोरी की कहानी को आप कितनी रेटिंग देंगे? और ये भी आपको बता दें कि इस कहानी में जो है वो एक शालिनी है जो फातिमा बन चुकी है और वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। शालिनी से फातिमा की कहानी बताई है जो एक नर्सिंग स्टूडेंट है और ट्रेलर देखने से पता चल रहा है लोगों को कि हिंदू लड़की को अगवा किया जाता है। और उसके आगे अगर सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो लोग मूवी देखने किस तरह से जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम का मिला जुला जो है वो बताया है, असर बताया है। और लोग जो रिव्यूज दे रहे हैं उन्हीं की रेटिंग के हिसाब से आपको बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं हिंदू भी मूवी देखें, मुस्लिम भी मूवी देखें। जब आप थिएटर से बाहर आएंगे ना, आप एक दूसरे को गले लगकर आएंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इसके बारे में ये बता। हालांकि आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड ने कुछ सीनों को कट किया है और इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। और 5 मई को शुक्रवार के दिन पूरे तयशुदा वक्त के अनुसार ये मूवी जो है रिलीज हुई है। आज इस मूवी ने जो है ये बताया जा रहा है कि ये जल्द ही पूरे आंकड़े पार कर देगी और द कश्मीर फाइल ने 250 करोड़ का बिजनेस किया है। अभी इसका एस्टिमेट रेवेन्यू जो है वो 5 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन छोटे पर्दे की मूवी है, क्या द कश्मीर फाइल्स को ये पार कर पाएगी? और द केरला स्टोरी अगर आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है थिएटर्स फुल हैं,
हैं, हाउसफुल हैं, लोगों के दिल को छू रही है, आपके दिल को छुएगी या आपको इस फिल्म का ट्रेलर छुएगा आपके दिल को, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो केरला स्टोरी में है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।